नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर साधना श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से हूँ। आज मैं आपको जो हमारे विश्वविद्यालय ने अभी जुलाई से नया कोर्स लॉन्च किया है पत्रकारिता का, एमए पत्रकारिता एवं जनसंचार में ये एमए कोर्स है एमए जेएमसी के नाम से, जो कि हमारा एनएपी, विद्यार्थियों आपने नाम सुना होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसके तहत ये कोर्स नया लॉन्च हुआ है। और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा या ये कोर्स नया लॉन्च हुआ है, तो सभी के मन में ये जिज्ञासा हो सकती है कि इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा, कितने पेपर हैं और इसे कैसे करना है, क्योंकि ये बिल्कुल नवीन पाठ्यक्रम है और ये पाठ्यक्रम जो है पुरानी चीज़ों को उस तरीके से बनाया गया है। इसका पूरा सिलेबस इस कोर्स का एम ए जे एम सी को एन ए पी 2020 के हिसाब से इस तरह से बनाया गया है कि आप पूरे नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसके व्यवहारिक क्रियात्मक सभी पक्षों को समझ सकें और आप एक ऐसे कौशल निर्माण कर सकें कि आप खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं और रोजगार परक कोर्सेज में आप इसमें आगे बढ़ सकें, बहुत सारी चीज़ें कर सकें। तो ये हमारे यहाँ जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, जिसकी 20 अक्टूबर तक अभी डेट भी बढ़ाई गई है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 4 सेमेस्टर का कोर्स है पूरा, ये 2 साल का कोर्स है, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। जो हमारे विश्वविद्यालय में कई विद्या शाखाएँ चलती, उसमें से जो मानविकी विद्या शाखा है इसमें चलने वाला ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, जो कि 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड है। तो इसके बारे में मैं आज आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे पास क्वेरी करते हैं कि मैम हमें एमए करना है पत्रकारिता से और इसके क्या स्कोप हैं, हम इसमें कैसे कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है पूरा, ये 2 साल का कोर्स है और आप देख सकते हैं कि ये 4 सेमेस्टर में कोर्स है। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों की क्वेरी आती है कि मैडम जन पत्रकारिता का कोर्स हमें करना है, एमए करना है, इसमें कैसे पेपर पढ़ाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या विकल्प होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक आपको सलाह देना चाहूँगी कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी में एक मेरा पुराना लेक्चर भी है कि आप पत्रकारिता में किस तरीके से करियर और संभावनाएं हैं, उस पर मैं दे चुकी हूँ। बाकी आपकी कोई भी जिज्ञासाएं हैं तो आपका स्वागत है, आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। मैं प्रयागराज के कैंपस में रहती हूँ 10 से 5 ऑफिशियल डेज और वर्किंग टाइम पे, तो आप आके कभी भी मिल सकते हैं, वेबसाइट से नंबर लेके बात कर सकते हैं और सारी चीज़ों को जान समझ सकते हैं। आज मेरा जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपको ये बताने के लिए है कि ये जो पूरे 2 साल का कोर्स है ये किस किस तरह से बना हुआ है, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कैसे इसमें वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से हमने पेपर मॉड्यूल लिए हैं और उसमें आपको क्या क्या और कैसे पढ़ना है। प्यारे बच्चों, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जो पत्रकारिता का कोर्स है वो एक ऐसा कोर्स है कि जिसको पढ़ना भी है, लिखना भी है, बोलना भी है और आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेनी होगी। माना कि ये डिस्टेंस एजुकेशन है, दूरस्थ शिक्षा का कोर्स है, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा कि आप घर बैठे चीज़ें समझ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से समझ सकते हैं, किताबें आपके घर चली जाएंगी, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि किसी भी पत्रकारिता के कोर्स की तरह यहाँ के कोर्स में भी आपको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है, क्योंकि बातें वही होती हैं, हम जो चीज़ें लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन पत्रकारिता आपको ये सिखाता है कि इसे हम कैसे लिखेंगे, कैसे डिफरेंट डिफरेंट माध्यम के तहत लिखेंगे, कैसे हम इसको बोलेंगे और क्या चीज़ें करेंगे। तो ये जो हमारा नया कोर्स स्ट्रक्चर पूरा लॉन्च हुआ है, आप देख सकते हैं 4 सेमेस्टर का कोर्स है। मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ववत है, हमारे 70 और 30 का है, 30 नंबर के असाइनमेंट आपको 20 अक्टूबर के बाद वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप उनको देख के उसको कहीं से भी घर बैठे उनके आंसर्स लिख के उनके जवाब दे के आप अपने संस्थान में जमा कर देंगे, तो उस पर आपका मूल्यांकन 30 नंबर का होगा और 70 नंबर के आपका थ्योरी पेपर होता है जिसको आपको आके एग्ज़ाम देना पड़ता है। हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें हमारे पास 5 पेपर हैं और इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है कि जैसे कि नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि आपको रोजगार परक होना होगा, आपको अभ्यास करना होगा और आपको प्रैक्टिकली बहुत साउंड होना होगा, क्योंकि जब तक इस फील्ड में आप कितना भी पढ़ लें लेकिन अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं होंगे, आपको चीज़ें लिखना बोलना और समझना नहीं आएगा, तो आप इस कोर्स को करके भी सक्षम नहीं हो पाएंगे फील्ड में उतरने के लिए, क्योंकि ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो आपकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति को भी दर्शाता है और बढ़ाता है।
तो इसमें पहले सेमेस्टर में आपको 5 पेपर पढ़ने हैं, एडमिशन लेते ही आपका जो पहले एग्जाम्स होंगे उसमें इन 5 पेपर्स के होंगे जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर कहलाता है। इसमें पहला पेपर जो है MAJMC 101 न्यू, इसमें आप न्यू का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जुलाई 2020 से जो पूर्ववत कोर्स चल रहे हैं उनके नॉमिनेचर में भी आपको 101, 102, 103 ऐसे नॉमिनेचर मिलेंगे, लेकिन उनके पेपर के टाइटल्स अलग हैं। तो जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा और एग्जाम में बैठिएगा तो अपने प्रश्न पत्र का या टाइम टेबल में मिलान करिएगा, तो अपने प्रश्न पत्र को कोड के अनुरूप दीजिएगा। आपने NAP के तहत सिलेबस लिया है, जो भी इस वक्त MAJMC जो 2020 से चल रहा है उसके जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं वो अपने पुराने स्ट्रक्चर के हिसाब से एग्जाम देंगे, और जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तुरंत फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है वो आपके ये 5 सेमेस्टर के देंगे। यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगी कि अगर पुराने सेमेस्टर का कोई बच्चा है और उसका बैक पेपर आ गया है, तो अगर बैक पेपर का बच्चा पूर्ववत में एग्जाम दे रहा होगा तो वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा। वो अपने पूर्ववत जो कि उसने जुलाई 2020 में जब एडमिशन लिया था या 21 में 22 में जब भी एडमिशन लिया था उसने जुलाई 2023 से पहले, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा और उसके पेपर्स देगा, उसकी थ्योरी और उसके असाइनमेंट जमा करेगा। तो बात करते हैं हम यहाँ पे नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत आने वाले पहले सेमेस्टर की। उसमें मैं पहले पेपर में हमारे कोर्स में जनसंचार एवं पत्रकारिता स्वरूप एवं सिद्धांत, इस पेपर के भी इन सारे सिलेबस को हम डिटेल से आगे आपको बताएंगे कि किस पेपर, क्योंकि सबसे बड़े बच्चों क्वेश्चन और कन्फ्यूजन यही होती है कि हमको यही नहीं पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आप किसी भी पत्रकारिता की बुक को उठा लीजिए, SLM को उठा लीजिए या वेबसाइट्स पे देख लीजिए कहीं पे भी, तो हमारे कोर्स में इतना विस्तार है कि गागर में सागर भरना होता है। तो गागर में सागर भरने के लिए हमारे पूर्व ज्ञान और हमारी नॉलेज का एक हमारा जो भी स्ट्रक्चर उसमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या और कैसे करना है। तो पहला पेपर हमारा जो है वो पूरा टोटली सैद्धांतिक है, जो आपको बताएगा कि क्या मीडिया क्या होती है, किस तरीके की होती है, कौन से सिद्धांत और मॉडल्स होते हैं। दूसरा पेपर आपका समाचार संकलन लेखन और संपादन का है। पूर्ववत में ये पेपर हम लोग अगले सेमेस्टर्स में या बाद में पढ़ाते थे, पर नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमने इसको दूसरे में रखा है, क्योंकि ये आधारभूत है। आप समझ लीजिए, आप कहीं भी काम करने जाएंगे, चाहे वो रेडियो जर्नलिज्म हो, प्रिंट जर्नलिज्म हो, या फिर टीवी में हो, या वेब पत्रकारिता भी कर रहे हो, या कुछ होनहार पीरवान अपना यूट्यूब चैनल चला के अगर उस पर भी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ें होती हैं आपकी, लिखना बोलना और खबरों को बनाना। अभी जब हम आगे के पेपर्स और आगे के कोर्सेज में आपको पढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो एक आपको स्टेप नुमा से बताएंगे कि क्या अंतर है लेखनी में, कैसे हम प्रिंट मीडिया के समाचार बनाते हैं, कैसे हम रेडियो के समाचार बनाते हैं, क्या उसमें अंतर है। तो ये पूरा पेपर जो है आपको समाचार संकलन लेखन और संपादन, ये पेपर पूरा आपको फील्ड एक्टिविटी बेस है, जो आपको ये बताएगा कि कैसे खबरें इकट्ठा की जाती हैं, उनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कैसे हम उससे खबर लिखते हैं, और लिखने के बाद दोस्तों प्यारे बच्चों जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो इसका संपादन या एडिटिंग, कि हम इसमें एडिटिंग कैसे करते हैं, हम इसमें ये चीज भी पढ़ाते हैं। तीसरा पेपर हमारा आता है जन माध्यमों के लिए लेखन। आप देख रहे होंगे ये जमाना ही है कि जो दिखता है वो बिकता है, और वेब जर्नलिज्म से लेकर टेलीविजन रेडियो सब में समाचार एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि जब हम समाचारों की बात करते हैं तो हमें फैक्ट बेसिस पे करंट में जो चल रहा है उसकी खबरें बनाते हैं, लेकिन जनमाध्यमों के लेखन में हम एकदम स्पेसिफिक एक आपको पूरा एक्सपर्ट बनाएंगे, ये चीज़ें बताएंगे इस पेपर में कि कैसे लिखा जाता है, कैसे क्रिएटिव राइटिंग लिखी जाती है। अगर आप कोई फिल्म बनाना चाह रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहे हैं, रेडियो के लिए कहानी लिखना चाह रहे हैं, बहुत सारी राइटिंग की और लेखन की विधाएँ हैं, उसमें कैसे हम लिखें, किन चीज़ों का ध्यान रख के, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के। अब जैसे एक ही खबर छप रही है, वही रेडियो में भी आ रही है, वही टेलीविज़न में आ रही है, लेकिन अगर उसको 1 घंटे की उसकी डॉक्यूमेंट्री बनानी है, उस अभी G20 सम्मेलन हुआ है तो समाचारों में भी आ रहा है, लेख में भी आ रहा है, उसी के फीचर भी बनते हैं। तो ये पूरा हम इसको विस्तार से आपको बताएंगे इस पेपर में कि कैसे अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग चीज़ें लिखी जाती हैं। तीसरा पेपर हमारा है MAJMC 104 हिंदी पत्रकारिता का। तो इस पेपर में इस स्पेसिफिक, क्योंकि विद्यार्थियों जो इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ, आप जानते हैं भारत रत्न पुरुषोत्तम महर्षि राष्ट्रीय टंडन जी के नाम पर हुआ, जो कि हिंदी के प्रबल समर्थक रहे हैं, और हम सब भी हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया में हिंदी पत्रकारिता को एक विशेष स्थान की ज़रूरत है। हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं और हमें ये जानना समझना चाहिए कि हिंदी पत्रकारिता का क्या इतिहास रहा है, एक भव्य इतिहास रहा है। हमने स्वतंत्रता आंदोलन से लेके देश के विकास बदलने से लेके वर्तमान के परिदृश्य तक में भी बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक में, प्रिंट में, रेडियो में। तो कैसे
हिंदी पत्रकारिता आगे बढ़ी, कैसे उसका जन्म हुआ, क्या वर्तमान में चल रहा है, आप कैसे इसको सीख सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये पेपर आपका थ्योरी बेस भी है और प्रैक्टिकल बेस भी है। तो ये चार पेपर के तो आपके थ्योरी बेस के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें आपको मैंने पहले जैसे बताया कि 30-30 नंबर के आपको असाइनमेंट जमा करने होंगे और 70-70 नंबर के आप थ्योरी एग्ज़ाम देंगे। लेकिन पांचवा पेपर हमारा पूरा फील्ड रिपोर्टिंग का है, एक्टिविटी बेस्ड पेपर है, NAP के तहत भी और एक नॉर्मल पत्रकारिता के विद्यार्थी होने के लिए भी ये प्रैक्टिकल आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल है। जब मैं पूरे सिलेबस को डिटेल से आपको बताऊंगी आज ही की क्लास में लास्ट में, तब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें कैसे हमने 15 टॉपिक्स दिए हैं, उन 15 टॉपिक्स में से आपको 10 टॉपिक फाइनल करके उसकी एक फाइल बनानी है, फाइल का कवर पेज बनाना है, इंडेक्स करनी है, और उन 200 टॉपिक को, क्योंकि ये पेपर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ये MA JMC के विद्यार्थियों को भी परेशान करता है, कई बार स्टडी सेंटर जो लोग चला रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो भी कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है इस पेपर को कैसे लेना है, इसकी प्रैक्टिकल फाइल में क्या करवाना है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको विस्तार से बताऊँगी। आपके यहाँ जो भी काउंसलर आते हैं, जो भी कॉपी चेक करने आते हैं पत्रकारिता के, जो भी टीचर्स हैं, तो कोऑर्डिनेटरों से मेरा ये अनुरोध है, विशेष अनुरोध है कि वो किसी भी पत्रकार से, पत्रकारिता के जो भी काउंसलर्स हैं, जो आपके लोकल पत्रकार हैं, जो आपके यहाँ कॉपी चेक करने आते हैं, जो भी आपके संस्थानों से जुड़े हुए हैं, कोई भी एलिजिबल है चीज़ों को बताने के लिए, करने के लिए, जो भी आप जिस तरीके से आपके स्ट्रक्चर्स में और काउंसलिंग रूल्स में दिए हुए हैं, जिनसे आप कॉपी वगैरह चेक कराते हैं, क्लासेस जो लेते हैं, वो सब इसको बता सकते हैं। और करना क्या है ये मैं आपको आगे से और समझा दूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये पूरी आपकी इसकी फाइल बनानी है, 3 सेट में बनानी है बच्चों को, 2 सेट जमा करना है, 1 सेट अपने पास रखना है, इसकी एक तिथि निर्धारित होगी। ये पूरा टोटली प्रायोगिक पेपर है, फील्ड बेस्ड पेपर है, जिसमें आपको पूरे 100 नंबर का फाइल बना के जमा करनी है। आपका मूल्यांकन उसी फाइल और प्रैक्टिकल पे लिखे अंक और जो डेट होगी उस दिन आप आएंगे, इसको जमा करेंगे, आपसे हल्का फुल्का उसी सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, बताया जाएगा, और इसके आधार पे आपका इसका मूल्यांकन होगा। तो इस तरह से ये पांचों पेपर पढ़ने के साथ ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और जैसा कि आपको नए विद्यार्थी हैं, तो शायद आपको हमारे विश्वविद्यालय का एक बहुत ही जो विशेष है वो आप नहीं जानते कि अगर किसी कारणवश आप ये पेपर्स नहीं दे पाए, कुछ ऐसा हुआ कि आपका कोई दूसरी जगह एग्ज़ाम है, आप कहीं व्यस्त हैं, स्वास्थ्य खराब है या कुछ भी है, तो हमारे यहाँ बैक पेपर की सुविधा उपलब्ध है कि अगले सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पहले वेबसाइट आप देखते रहिए, वहाँ पे बैक पेपर के फॉर्म आएंगे, इनमें से आप जो भी पेपर आपका छूटा हुआ है उसका बैक पेपर भरेंगे। और अगले सेमेस्टर के साथ ये हमारे विश्वविद्यालय ने छात्रों को एक विशेष सुविधा दी हुई है कि अगर आपका कोई पेपर छूट जाता है या आप नहीं एग्ज़ाम दे पाते हैं किसी कारणवश, तो आपको बैक नहीं लगेगा, आपका साल बर्बाद नहीं होगा, आपका सेमेस्टर बर्बाद नहीं होगा, आप अपने अगले सेमेस्टर के साथ में पहले सेमेस्टर के पेपरों को पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। तो जब पहले सेमेस्टर में आप ये पेपर पढ़ लेंगे, फिर आपको दूसरे सेमेस्टर में 5 अगले पेपर पढ़ने होंगे, जिसमें कि आपका MA JMC 106 पेपर में आप पूरा मीडिया एवं समाज के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, इसमें कई अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो आर्थिक मुद्दे हैं, जो विश्व से जुड़ी जानकारियाँ हैं, कैसे समाज में पत्रकारिता क्या रोल प्ले कर रही है, ये आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर दोनों ही हैं। अगले पेपर में आप प्रेस विधि या प्रेस लॉ को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। इस साल हमारे कोर्स के सिलेबस में पूरे इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे हमने टोटली करियर ओरिएंटेड करते हुए 3 से 4 नए पेपर लॉन्च किए हैं, जो आज के पत्रकारों की विशेष ज़रूरत है। हम फेक न्यूज़ के ज़माने में जी रहे हैं, हम सोशल मीडिया के न्यूज़ में जी रहे हैं, यहाँ तक कि आज के समय में AI आ चुका, AI रिपोर्टर्स आ चुके हैं, हम रोबोट के सहारे जी रहे हैं, हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे न्यूज़ को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारे पास प्रेस लॉ की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे अपने अधिकारों को बचाने के लिए, और हम जो भी लिख रहे हैं जनता को सही जानकारी दें, उनको भ्रमित ना करें, तथ्यों से छेड़छाड़ ना करें। तो जो भी आधारभूत प्रेस लॉ के नियम हैं नए और पुराने, उन सभी को इसमें विस्तार से पढ़ाया और बताया जाएगा आपको। इसके बाद अगला पेपर, अगर आपसे जब भी बात होती है, आप कहते हैं ना कि हमें पत्रकारिता में हम कहाँ रोजगार के लिए जाएं, मैडम बहुत स्ट्रगल है, मैडम नौकरी नहीं मिल रही, मैडम जॉब नहीं मिल रही, ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आते हैं, तो आज ये स्ट्रक्चर बताने का ये भी आपको एक पर्पस था मेरा कि आप जब इस कोर्स को एडमिशन लें तो हर पेपर को विस्तार से समझें, क्योंकि पत्रकारिता में संभावनाएं अपार हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है मेरे प्यारे बच्चों, दिक्कत वहाँ पे आती है जब आप अपनी क्षमताओं को समझ नहीं पाते हैं और विपरीत
तीन तरीके का प्रोफेशन चुन लेते हैं। जैसे एक अगला पेपर जो आप देख रहे हैं, जनसंपर्क और स्वरूप और सिद्धांत, इसमें शायद आपको थोड़ा कम दिखा दे, जब मैं अभी आज ही की क्लास में आपको पूरा डिटेल से क्या क्या टॉपिक्स हैं वो भी बताऊंगी तो आप समझ लेंगे। तो ये पेपर पूरा पब्लिक रिलेशन के थ्योरेटिकल पार्ट्स को बताता है, क्योंकि इस वक्त मीडिया में बहुत ज़्यादा जो जॉब आ रही हैं वो पब्लिक रिलेशन अफसर्स की भी आ रही हैं। कोई भी संस्थान हो, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या सेमी गवर्नमेंट का हो, यहाँ तक कि स्कूल से लेके यूनेस्को, यूनिसेफ, हर जगह एनटीपीसी, हर जगह जनसंपर्क अधिकारी, पीआरओ या एक ऐसी, क्योंकि आज के डेट में मीडिया पब्लिसिटी सब चाहते हैं, तो मीडिया कोऑर्डिनेटर की जॉब के लिए या इस तरीके की जॉब में या जनसंपर्क का पेपर आपको बहुत ज़्यादा काम आता है। दूसरा जो आप देख रहे हैं 109 का पेपर है, मीडिया रिसर्च या मीडिया शोध। पुराने स्ट्रक्चर्स में या अन्य विश्वविद्यालयों में ये बाद में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने एनएपी के तहत इस कोर्स को ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए और समझ, क्योंकि बच्चे जब लास्ट सेमेस्टर में जाते हैं सीधे मीडिया रिसर्च को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो उस तरीके से आंकड़े नहीं ला पाते हैं, चीज़ें नहीं ला पाते, और कहीं ना कहीं वो जो बेसिक ज़रूरत है रिसर्च की उसको नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हमने दूसरे ही सेमेस्टर में ये पेपर रख दिया है कि आप धीरे धीरे अंतिम सेमेस्टर तक आते आते इसको पढ़ लें, समझ लें, जान लें, और भविष्य में, क्योंकि रिसर्चर की भी बहुत वैकेंसी आती हैं हर जगह, शोध संस्थान में या कहीं पर भी आपको एक रिसर्चर की, हर न्यूज़ चैनल में आप देखते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग या कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं, तो रिसर्च के अपने कई संस्थान हैं, कई विंग्स हैं, रिसर्च राइटिंग है, प्लस जैसे मैं प्रोफेसर हूँ या कहीं पे भी पढ़ाने का काम है, आप नेट पीएचडी करके भविष्य में रिसर्च के लिए एक अच्छा अपना फील्ड तैयार कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो रिसर्च के पेपर को हमने द्वितीय सेमेस्टर में ही रखा है। इसके बाद आपको हमने एक और प्रैक्टिकल पेपर डाला है जो दूसरे सेमेस्टर का प्रैक्टिकल पेपर है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए प्यारे बच्चों कि चारों सेमेस्टर में हमने पांच पांच पेपर रखे हैं, जिसमें से चार पेपर्स जो हैं वो थ्योरी के हैं, पाँचवा पेपर हमेशा प्रैक्टिकल का है या उसकी आपको फाइल बना के, वही सेम प्रोसेस है, कवर पेज बनेगा, इंडेक्स बनेगी और आप इसके दो सेट में फाइल तैयार करेंगे, एक सेट अपने पास रखेंगे, दो सेट को जिस दिन जो तिथि डिक्लेयर होगी उस पर आप जाएंगे अपने सेंटर पे इसको जमा करेंगे, असाइनमेंट्स के साथ में इनकी डिटेल्स भी अपलोड रहेगी कि आपको कैसे और क्या करना है। इसमें ये फील्ड स्टडी बेस्ड पेपर है, इसमें आपको करना ये है कि अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में या नहीं भी कर रहे हैं, तो इसमें तीन टॉपिक हमने दिए, क्योंकि एनएपी के कोर्स की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि विकल्प देना, तो हमने जितने भी पेपर्स प्रैक्टिकल वाले लॉन्च किए उस सब में आपको एक विकल्प दिया है कि आप 15 में से कोई 10 टॉपिक लीजिए, इसमें भी हमने ये बात कही, इसमें भी हमने आपको तीन टॉपिक दिए हैं रिपोर्ट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट मतलब सबमिट करने के लिए, पहले में आपके आसपास कोई भी एनजीओ चल रहा है उसके प्रोफाइल के बारे में लिखिए, उसमें कैसे काम होता है, उसकी कार्य पद्धति, इन सब के बारे में लिखिए, या तो फिर आप कोई भी मीडिया संस्थान चुन सकते हैं, वहाँ की क्या चीज़ें हैं, कार्य प्रणाली कैसे, उसके बारे में पूरा लिखिए, या तो कोई आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या किसी संस्थान में जाके इंटर्नशिप अगर आपको कहीं से करते हैं, तो तीनों में से आप कुछ भी करते हैं आपका उसकी रिपोर्ट जो है इसके लिए मान्य होगी, तो इसमें हमने आपको ऑप्शन दिया है। इस तरह से आपके दो सेमेस्टर का कोर्स पूरा हो जाएगा। यहाँ से आप आते हैं सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में। जब आप थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखो कि आपको पत्रकारिता के दूसरे वर्ष की फ़ीस जमा करनी, क्योंकि हमारे यहाँ के स्ट्रक्चर में साल में दो बार एडमिशन लिया जाता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का अलग अलग, तो यहाँ पर जो भी आपकी फ़ीस जमा हुई है ये दो सारे सेमेस्टर्स के लिए, पहले और दूसरे के लिए सेकेंड, क्योंकि कई विद्यार्थियों के साथ मैंने ये प्रॉब्लम देखी पहला, इसलिए मुझे आप ये ऑनलाइन आके आपसे रूबरू होकर बताना पड़ रहा है कि बेटा सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे तभी आप सेकेंड ईयर के दोनों सेमेस्टर देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कहीं और कन्फ्यूज़ होते हैं, वो स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते हैं और जस्ट एग्ज़ाम के समय फ़ोन करते हैं कि मैम विंडो क्लोज है, हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, हमें भरना है, और उस टाइम पर हम लोग एकदम मुश्किल हालातों में आ जाते हैं कि कैसे आपकी मदद कर पाएँ। तो इसलिए मैंने इस बार ये फैसला लिया कि आपको मैं पढ़ाने से पहले पूरा स्ट्रक्चर समझा दूँ ताकि आप हर पेपर को बहुत अच्छे से समझ लें, जान लें और उसके हिसाब से काम करें। तो थर्ड सेमेस्टर में भी सेम वही प्रोसेस है आपका, चार आपके थ्योरी पेपर हैं। इसमें हमने विज्ञापन के बारे में बात की, क्योंकि पिछले में हमने आपको मीडिया रिसर्च पढ़ा दिया, पब्लिक रिलेशन पढ़ा दिया, इंडस्ट्री में जाने की तैयारी आपके लिए करवा दी, लेकिन ये पेपर हमने थ्योरी के साथ साथ ऐसा रखा है कि आपको पूरा इंडस्ट्री में जाने के लिए एकदम एलिजिबल कर देगा, यानी कि आप इसमें विज्ञापन में थ्योरी सिद्धांत पढ़ सकते हैं। जनसंपर्क का हमने एक एडवांस कोर्स भी इसमें दिया हुआ है, क्योंकि जनसंपर्क की सब बहुत मांग है, अगर आप कहीं भी देखिए तो एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स या प्रोफेशनल कैटेगरी देता है आपको जनसंपर्क
और विज्ञापन कि जिससे, तो इसमें हमने एडवांस चीज़ें आपको बताई हैं। फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने आपको पूरा बताया कि रेडियो टीवी में कैसे काम किया जाता है, कैसे एंकरिंग होती है, कैसे उसकी स्क्रिप्टिंग होती है। इसके बाद हमने एक नया पेपर लॉन्च किया, फोटोग्राफी सिद्धांत और अभ्यास, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे बता दिया है कि NAP का पूरा फोकस और हमारा भी पूरा फोकस ये है कि आप रोजगार परख हो सकें, आप सिर्फ पढ़े नहीं, आप एग्ज़ाम भी दे सकें और एग्ज़ाम देने के साथ साथ में आप खुद भी एकदम इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आप खुद भी कमाएं और दूसरों को भी कमाने का जरिया दे सकें, अपना काम कर सकें, अपना स्टूडियो खोल लीजिए। और फोटोग्राफी तो पे तो मेरा एक पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है विस्तार से, आप पिछले जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसके UPRT ऑनलाइन स्टडी की प्लेलिस्ट में जो मीडिया के कोर्सेज हैं उसमें पूरा एक लेक्चर मैंने दिया हुआ है फोटोग्राफी के बारे में कि कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ और चीज़ें होती हैं। तो इस पेपर में आप पूरा फोटोग्राफी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे और करेंगे। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारा इस बार के प्रैक्टिकल के कोर्सेज के साथ साथ में रिसर्च ओरिएंटेड सिलेबस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है कि बच्चा MA लेवल पे ही, परास्नातक स्तर पे ही रिसर्च को बहुत अच्छे से समझ ले, सोच ले। और हमने उसको विकल्प भी दिया है कि इसने यहाँ पे थ्योरी पढ़ के समझ ली कि मीडिया रिसर्च क्या होती है। यहाँ पे आप सेकेंड थर्ड सेमेस्टर आते आते अपना टॉपिक फाइनल कर लेंगे अपने मेंटर्स के साथ मिलके या कोऑर्डिनेट करके कि हम किस टॉपिक पर डिसर्टेशन जमा करेंगे। ये जो हमारा लास्ट है लघु शोध प्रबंध वाला, ये टॉपिक आप फाइनल कर लेंगे थर्ड सेमेस्टर में ही, और उसकी सारी चीज़ें पढ़ने और थ्योरी के बाद में आप यहाँ पे भी हमने विकल्प दिया, चाहे तो आप शेड्यूल बना सकते हैं साक्षात्कार अनुसूची, चाहे तो क्वेश्चन आयर बना सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू कैसे करेंगे उस टॉपिक का, उसको कैसे समझेंगे जानेंगे, ये सारी चीज़ें आपको करके थर्ड सेमेस्टर में ही प्रैक्टिकल में जमा कर देनी है, ताकि आपके पास फोर्थ सेमेस्टर में फील्ड में जाके अपने रिसर्च और लघु शोध प्रबंध के लिए काम करने का पूरा पर्याप्त समय और अवसर रहे। और किसी कारणवश अगर आपका ये पेपर छूटता है तो इन सारे को भी आप बैक के साथ में अगले सेमेस्टर के साथ कर सकते हैं। इस तरह से आपका थर्ड सेमेस्टर का कोर्स पूरा होता है। फोर्थ सेमेस्टर के कोर्स में फिर हमने 5 कोर्सेज लिए हैं। जमाना ही विकास का है, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, जग बदलेगा तो सब बदलेगा, भारत का यहाँ ही नहीं विश्व में भी परचम लहराएगा, और हम सब जैसे पहले से आज तक कहलाते आए हैं विश्व गुरु, वैसे ही बनते जाएंगे। डेवलपमेंट, विकास हमारी पहले से आवश्यकता थी, है और हमेशा रहेगी। कहीं ना कहीं किसी भी महान वैज्ञानिक से लेकर हर शोधार्थी, हर विद्यार्थी, हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है कि समाज का अंतिम व्यक्ति का भी सर्वांगीण विकास हो, पूरा यूनिवर्सल विकास हो, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे, चीज़ें करें। तो विकास एक बहुत, इसके साथ भी मैं, मतलब हमारे इस कोर्स के एक एक पेपर ने आपको करियर अपॉर्चुनिटी के बहुत सारे डायमेंशंस दिए हैं। आप कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के रूप में, आप डेवलपमेंट अफसर के रूप में, आप कहीं पे भी चीज़ें यूनिसेफ, यूनेस्को या कहीं पे भी, या जहाँ पे भी डेवलपमेंट या विकास की परियोजनाएँ चल रही हैं उसमें एज ए कोऑर्डिनेटर आप इस कोर्स को पढ़ने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। और फील्ड तो आपके लिए पर्याप्त, तो आसमान खाली है, रेडियो टीवी ये सारी चीज़ें। अगला कोर्स ह्यूमन राइट्स का हमने एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया है कि मानवाधिकार के जब हम बात करते हैं, विश्वविद्यालय स्तर पे अन्य जगहों पे पढ़ाया भी जा रहा था कई जगह, लेकिन हमें लगा कि एक पत्रकार को भी, जैसे कि हमें प्रेस लॉ जानने की ज़रूरत है, तैसे ही हमें ह्यूमन राइट्स को भी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे, लोगों के अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम कैसे शोषितों की मदद कर पाएंगे, हम कैसे उन चीज़ों को कर पाएंगे। और सब कुछ अधिकार नहीं होता है दोस्तों, कर्तव्य भी होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, कर्तव्य, इन सब में क्या अंतर है, हमारा संविधान क्या कह रहा है, समाज में क्या चीज़ें हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स के कैसे कैसे डायमेंशंस चल रहे थे, ये सारी चीज़ें हम आपको इस पेपर में पढ़ाएंगे और बताएंगे। इसके बाद हमारा अगला कोर्स है, जो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर साउंड कर रहा है, क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं हमें अपनी संस्कृति से प्यार होना चाहिए, हमें अपने देश से प्यार होना चाहिए, लेकिन हमें दूसरी संस्कृतियों के प्रति भी सम्मान होना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए, भाईचारे के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर संस्कृति का सम्मान करें। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं भारतीय सामाजिक व्यवस्था, हमारा सनातन धर्म से लेके हर चीज़ें ऐसे ताने बाने पे जुड़ी हैं कि जो भी भारत में आए हमें अपनाते गए और हम उन्हें अपनाते गए, और हमने एक ऐसे आपसी सौहार्द की नींव रखी है, विश्व में एक ऐसी मिसाल कायम की है शांति की कि सब भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। तो इस पेपर में हमने ना सिर्फ भारतीय संस्कृति को विस्तार से बताया समझाया है, बल्कि हमने अलग अलग धर्मों की संस्कृति के बारे में भी, अलग अलग देशों की संस्कृति के बारे में भी इंट्रोड्यूस की हैं चीज़ें, और बताई हैं कि कैसे क्रॉस कल्चरल, कैसे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के तहत वी विल
विन द सोसाइटी, हम कैसे जीत सकते हैं पूरे समाज को, हम कैसे विश्व में सारी चीज़ों को रख सकते हैं, दुनिया में कैसे आगे जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जानकारी और ज्ञान ही सब चीज़ का आधार स्तंभ है। अगर आप दूसरी संस्कृतियों के बारे में भी जानेंगे, और एक चीज़ कही गई ना, शब्द शब्द सब कहें, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द मलहम बने दूजा देखाओ। तो जब तक हम उन शब्दों को नहीं जानेंगे, हम उन संस्कृतियों को नहीं जानेंगे, उनकी गहराइयों को नहीं जानेंगे, उनकी विशेषताओं को नहीं समझेंगे, तो ये हमने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल डायमेंशंस पे एक ऐसा पेपर तैयार किया है, एक ऐसा पेपर रखने का प्रयास है जिससे पूरे देश में, पूरे विश्व में आपसी भाईचारा आए, सौहार्द आए, विश्व में शांति स्थापित हो, और हम सभी संस्कृतियों का सम्मान करते करते अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति को विश्व स्तर पर पहुंचा सकें, हम बता सकें कि हम भारतीय हैं और गर्व से कह सकें कि हम भारतीय हैं। तो हमने अपने सिलेबस में इस भारतीयता परंपराओं और संस्कृति को भी इंट्रोड्यूस किया है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा कोर्स हमने नए पेपर्स और सिलेबस में बात की है, आप इन पेपर्स के तहत भी देख सकते हैं। हमने अगला पेपर लॉन्च किया है वेब पत्रकारिता, इंटरनेट जर्नलिज्म का, सोशल मीडिया का ज़माना है, साइबर जर्नलिज्म का ज़माना है, साइबर क्राइम हो रहे हैं आज की डेट में, मोबाइल पर पूरी दुनिया एक क्लिक पर एक हो जा रही है, AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ऐसे में सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, अगर जनसंपर्क के बाद कहीं सबसे ज़्यादा आपको वैकेंसीज या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर की आ रही हैं, वेब जर्नलिज्म की आ रही हैं, इंटरनेशनल फोरम पे ज़रूरत पड़ रही है। तो वेब पत्रकारिता का हमने पूरा एक नया कोर्स लॉन्च किया है एक चैलेंज के साथ में, कि हम पूरी पत्रकारिता को समझें, जानें, और इसको कैसे हम कर सकते हैं, इस पर हम काम करें, ब्लॉग कैसे बनाते हैं, सोशल मीडिया कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, न्यू मीडिया कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, इंटरनेट का क्या रोल है, साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं, तो ये सारे विषयों को हम पूरा इस पेपर में अच्छे से पढ़ाते बताते और समझाते हैं। इसी के साथ में लास्ट मैंने जो कहा, जो यहाँ से टॉपिक आप डिसाइड कर लेंगे और जिस पर डिसर्टेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं रिसर्च को भी बहुत महत्व दिया गया है NAP के तहत, ये जो नया कोर्स लॉन्च हुआ है MA JMC का, जो हम लोगों ने नया स्ट्रक्चर तैयार किया है, इसमें हमने कई सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है, कई सारे MOOC कोर्सेज को भी रेकमेंड किया। जैसे कि आप अगर स्वयं पोर्टल पर जाके देखेंगे तो आपको जन माध्यमों के लेखन के लिए एक दृश्य श्रव्य माध्यम लेखन, डॉक्टर रवि सूर्यवंशी हैं, उनका आपको MOOC कोर्स मिल जाएगा। प्रेस लॉ पे आपको पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का एक MOOC कोर्स है, वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको फोटोग्राफी और सिद्धांत में भी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का एक और हैं, 2-3 कोर्सेज आपको मिल जाएंगे उस पर। तो आपको ऐसे में कई सारे पेपर ऐसे भी इंट्रोड्यूस किए हैं, प्रेस लॉ, राइटिंग और फोटोग्राफी की, जो कि आपके MOOC कोर्सेज पे भी अवेलेबल है, जिसकी आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उससे भी ले सकते हैं। और लास्ट में आप टॉपिक के साथ डिजिटेशन या चीज़ें बनाएंगे। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर जो है 2 साल के NAP के तहत लागू हुए नए MA जर्नलिज्म का जो कोर्स है, MA JMC का जो कोर्स है, उसका ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको आज बताया है। और आप इस कोर्स के तहत जो है पूरी चीज़ों को कर सकते हैं, जान सकते हैं और सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके बाद अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा आती है, कोई भी सवाल आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं डॉक्टर साधना श्रीवास्तव हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ। ऑफिशियल डेज, ऑफिशियल टाइम में विश्वविद्यालय के यहाँ सरस्वती परिसर में आपको मैं मिल जाऊँगी। आप वेबसाइट के जरिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल के पूछ सकते हैं। आपको जो भी सवाल जवाब करने हैं, चीज़ें हैं, जो भी जिज्ञासाएँ हैं, उसमें आपको पूरा गाइडेंस और पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा विश्वविद्यालय की तरफ से। लेकिन एक चीज़ का बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कोर्स सिर्फ किताबों पर निर्भर नहीं है। हमारा कोर्स सिर्फ ऐसा कोर्स नहीं है कि हमको SLM मिल गया और हमने मान लिया ये पर्याप्त है। हमें कहीं ना कहीं इतर जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें एकलव्य बन के मीडिया की पढ़ाई को ऐसे करना पड़ेगा कि हम उस चीज़ को समझ पाएँ, हम जान पाएँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इन सारे कोर्सेज के साथ में हमें पूरा समझना पड़ेगा कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। कई पेपर्स ऐसे हैं जो बहुत अपडेटेड हैं। अगर हम विकास संचार की बात करें और अगर कोई नई योजना आ जा रही है तो डेफिनेटली है कि वो आपको SLM में शायद ना मिल पाए, लेकिन समाचार पत्र की सुर्खियों में आपको मिलेगी। अगर कोई नई वेबसाइट लॉन्च हो जाए, पिछले साल ही लॉन्च हो, कोई नया साइबर कानून आ जाए, तो हर बार हर चीज़ आपको अपडेटेड मिले। इससे महत्वपूर्ण ये है कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स पे भी ध्यान दीजिए हम लोगों से, और आप ये एक ऐसा कोर्स है कि मिल बांट के पढ़ने वाला है। आप जानते हैं एक खबर होती है उसको 50 न्यूज़ चैनल में दिया जाता है, 50 न्यूज़पेपर छापते हैं, यूट्यूब पे दिया जाता है, सबका इंट्रो अलग होता है, सबकी खबर अलग होती है, उससे हम सबकी बात अलग करते हैं। तो हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा, विस्तार करना होगा। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब मैं इस कोर्सेज को डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगी, डिटेल से आपको बताऊंगी कि कैसे और क्या अलग चीज़ों में आ रहे हैं और कैसे कैसे आपको पढ़ने हैं।
तो आज की क्लास में ये आपका पहला पेपर है, इसके बारे में बताऊंगी। फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर है जिसमें आपको टोटल 16 यूनिट्स पढ़नी है। इन 16 यूनिट्स में जैसे कि आप देख, क्योंकि एक ये बहुत बड़े प्रश्न होते हैं, मैडम क्या पढ़े हैं, मैडम ऐसा है, ऐसा है, मैडम किताबें ऐसी। बेटा देखो, ये पेपर एक ऐसा पेपर है ना कि आपको सब कुछ जानना समझना है। मीडिया का कोर्स इतना, मतलब हम भी आपसे नॉलेज ले सकते हैं। आप ये समझिए, अगर एक इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी है तो वो कॉमर्स रिपोर्टिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी करेगा। अगर कोई बीएससी का विद्यार्थी है, क्योंकि जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं इस कोर्स की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ग्रेजुएट विद्यार्थी किसी भी विषय से, चाहे वो बीकॉम से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, या उसने बीजेएमसी किया, कोई भी विद्यार्थी पत्रकारिता का मास्टर कोर्स कर सकता है। तो विषय विशेषज्ञता के आधार पर आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी। तो बच्चों, मैं आपसे भी कहूँगी कि आप लोग अपने ज्ञान को भी बढ़ाइए और एक दूसरे से शेयरिंग के साथ में पढ़िए, नॉलेज बढ़ेगी इससे। तो पहले पेपर में जैसे हम आपको पूरा, पहले यूनिट में जो पढ़ाएंगे संचार जन माध्यमों की भूमिका, जिसमें कि हम आपको पूरा सारी चीज़ें बताएंगे अच्छे से, फिर मॉडल्स के बारे में बताएंगे, जन संचार के जो सिद्धांत हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है, सैनन एंड वीवर का, लॉसवेल का, या जितने भी सारे हैं, उन सारी चीज़ों को हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, एरिस्टोटल का, सभी मॉडल्स को, चीज़ों को, सिद्धांतों को, 4+ थ्योरी जितनी भी हैं आप वो देख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से बताएंगे और करेंगे। और भी सारी चीज़ें हैं, डिटेल से आपको मिलती रहेंगी समय समय पे। जन माध्यमों का प्रभाव, क्योंकि एफेक्ट एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे कठिन भी है। हम कहते हैं भारतीय संस्कृति पे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ गया, हम कहते हैं टीवी आई तो बच्चे बिगड़ गए, हम कहते हैं रेडियो आया तो नेत्रहीनों का दोस्त हो गया। तो ऐसे क्या प्रभाव पड़ रहा है जन माध्यमों का किस पे, और किस तरीके से हम हाईटेक सोसाइटी में जा रहे हैं, जमाना एक क्लिक पे जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ाएंगे। दूसरे यूनिट में हम आपको पत्रकारिता के बारे में बताएंगे कि पहले यूनिट में हम आपको कम्युनिकेशन से इंट्रोड्यूस करेंगे, संचार क्या होता है, जन माध्यम क्या होते हैं, किन चीज़ों से हम कम्युनिकेट करते हैं, उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स क्या है, उसके मॉडल्स क्या हैं, ये सब बताएंगे। दूसरे यूनिट में हम सीधे सीधे पत्रकारिता पे आ जाएंगे कि जर्नलिज्म क्या है। हमारे पास, मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत बड़ा समुद्र है जिसको हमें गागर में भरना है और हमें छोटी छोटी चीज़ों को स्टेप्स में बनाना है। तो हमको फिर पत्रकारिता के बारे में बताएंगे क्या एक रिपोर्टर के दायित्व हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जर्नलिज्म क्या होता है। फिर लैंग्वेज, क्योंकि इस टाइम आप समझिए एनएपी भी ये बात कहता है, और आप सब भी साउथ वाले के कुछ अलग ले, पग पग पे भाषा बदले और पग पग पे बोली, ऐसे आप समझ भी रहे होंगे, जान भी रहे होंगे, तो कैसे रीजनल लैंग्वेज में रिपोर्टिंग होती है, क्या खास बातें हैं। हर एक रीजनल लैंग्वेज का अपना समृद्ध साहित्य है। और एनएपी ये बात भी कहता है कि मातृभाषा पे जोर दीजिए, अगर बच्चा बचपन से मातृभाषा को पढ़ता है या मातृभाषा में बातचीत होती है तो बहुत अच्छा होता है। तो हमने एक ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, भाषाई पत्रकारिता या मातृभाषा में रीजनल लैंग्वेजेस की क्या स्थिति है। और ऐसा नहीं कि आज के समय की बात है, बंगाल का जर्नलिज्म है, साउथ का जर्नलिज्म है, तमिल का, और सारा बहुत समृद्ध साहित्य रहा है, बहुत समृद्ध इतिहास रहा है पत्रकारिता का, तो उन सबको इसमें बताया जाएगा। और अंग्रेजी पत्रकारिता, क्योंकि अगर आपने कहा वहां पे, हमने शुरुआत में बात की थी कि हिंदी पत्रकारिता का हम पूरा एक आपको पेपर लॉन्च करके पढ़ा रहे हैं, तो हम अन्य भाषाओं को भूल नहीं सकते, क्योंकि जब पत्रकारिता या कम्युनिकेशन की बात करती है तो भले हमारे यहाँ हिंदी माध्यम के बच्चे ज्यादा है, लेकिन हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी भूल नहीं सकते हैं। तो यस, यू विल डू, आप भी कर सकते हो, इंग्लिश जर्नलिज्म में जा सकते हो। इंग्लिश जर्नलिज्म के क्या डायमेंशंस हैं, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो पूरा आपको यूनिवर्सिटी, हम लोग SLM हमारा हिंदी में जाता है डेफिनेटली, बट यस आई विल प्रोवाइड ऑल नोट्स, सजेशंस एंड ऑल्सो यूट्यूब लिंक्स, चैनल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो डोंट वरी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, हम लोग आपको उसमें भी मदद प्रोवाइड करेंगे। आप जो अगर इंग्लिश मीडियम से भी पढ़े हैं तो आप हमारे यहाँ का कोर्स कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं कि सब हिंदी में, तो आपको कोई असिस्टेंट प्रोवाइड किया ही नहीं जाएगा, या किसी अदर लैंग्वेज में आपको कुछ बताया है किया ही नहीं जाएगा, तो आपको इंग्लिश पत्रकारिता। और जो सबसे बड़ी बात है, साहित्य और संस्कृति, हमारा यह पेपर कहीं ना कहीं इस बार जो हमने पूरा कोर्स लॉन्च किया है, ये भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि हम बन जाएं पत्रकार भी, हम बन जाएं पत्रकार भी या लाखों के किले जीत लें, लेकिन हमें अपने धरातल पर रहना है, जमी को याद रखना है, मातृभूमि को सर पे वो करना है, और मातृभूमि की जो रज है उसको सिर पे लगाना है, और हमें कहीं ना कहीं अपने साहित्य और सांस्कृतिक स्वरूप को, सांस्कृतिक धरोहर को कभी नहीं भूलना है। तो जहाँ एक और हम वेब जर्नलिज्म का मॉडर्न कोर्स पढ़ा रहे हैं, फोटोग्राफी जैसी मॉडर्न चीज़ें पढ़ा रहे हैं, वहीं हम जब आप देखेंगे विभिन्न जन माध्यम में पारंपरिक लोक माध्यम भी पढ़ा रहे हैं, ढोल नगाड़े क्या होते थे, पुराने समय में कैसे चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती थी, ये सब हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। प्लस हम आपको रेडियो के बारे में, टेलीविज़न के, टोटल आपको इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से लेके और अगले आने वाले पेपर्स में आपको सारी चीज़ों के बारे में और विस्तार से बता
बताएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको हैं। फिर मीडिया के संगठन, न्यूज एजेंसीज क्या होती हैं, कैसे इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज एजेंसी वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें, पीटीआई क्या है, यूएनआई क्या है, राइटर क्या है, भाषा क्या है, ये सब बताएंगे। फिर जो हमारे संगठन हैं जन माध्यमों के, किस तरीके से एफटीआई काम करता है, किस तरीके से सेंसर बोर्ड काम करता है, या ऐसे अलग अलग जो संगठन हैं, विज्ञापन ब्यूरो है, बहुत सारे एबीपी हैं, ऐसे बहुत सारे जो संगठन हैं उनके बारे में है। सरकारी मीडिया संगठनों के बारे में भी बताएंगे आपको, प्लस भारत के मीडिया व्यवसाय के बारे में भी बताएंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारा पहला पेपर में हमने आपको सारी चीज़ें, ये जो मैंने आपको दिखाई, ये सारा सिलेबस आपका एक पेपर में है, एम ए जे एम सी 101 में। अब हम आपसे बात करेंगे दूसरे पेपर की, जो कि आपको मैंने पहले भी कहा था, न्यूज़ राइटिंग और रिपोर्टिंग पे आपको पूरा ये विस्तार से और डिटेल बताता है। तो इसमें आप पूरा समाचार संकलन की चीज़ों को बताएंगे, लेखन को बताएंगे, किस तरीके से चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं इसके बारे में बताएंगे। तो पहले हम इसमें आपको ये बताएंगे कि समाचार होती क्या है, न्यूज़ क्या होती है, क्योंकि आज के बच्चा न्यूज़ जान रहा है टेलीविज़न और चैनल्स, न्यूज़पेपर घरों में आ गए, लेकिन एज ए रिपोर्टर आपको बेसिकली जानना पड़ेगा कि न्यूज़ क्या होती है, कैसे बनाते हैं, इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ से हम न्यूज़ ले सकते हैं, कौन सी बात न्यूज़ है और कौन सी बात न्यूज़ नहीं है, ऐसी कौन सी घटनाएँ आप घर से लेके, जब भी आप किसी न्यूज़पेपर में जाएंगे जॉब के लिए, हम लोगों के समय से पहला क्वेश्चन होता है कि घर से लेके यहाँ तक आए हो, बताओ क्या क्या तुमने न्यूज़ देखी, तो क्या न्यूज़ के स्रोत होते हैं, कैसे सोर्सेज होते हैं, इन सब पे हम आपको डिटेल से बताएंगे। रिपोर्टिंग के बारे में बताएंगे इस पेपर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू में क्या अंतर है, कैसे ली जाती है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताएंगे। और इन सब को लेने के बाद एडिटर और रिपोर्टर के बारे में डिटेल से बताया जाएगा, क्योंकि जब आप फील्ड में जाते तो आपको काम यही करना पड़ता है, रिपोर्टर और एडिटर का ही काम करना पड़ता है, तो आप इसके बारे में बताएंगे। प्लस हम लोग कुछ, जैसे मैंने पहले आपसे वादा किया था कि हमारा कोर्स एनईपी के तहत है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको ज़्यादा समृद्ध बना रहा है, ज़्यादा करियर ओरिएंटेड बना रहा है, ज़्यादा समृद्ध बना रहा है, तो उसमें हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्वालिटीज़ होती हैं, एंकर क्या होते हैं, वॉइस ओवर क्या होता है, चीज़ें सारी आपको इंट्रोड्यूस करके बताएंगे। कुछ स्पेशल रिपोर्टिंग्स के टाइप्स में क्या क्या बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है, तो जैसे अपराध और न्यायालय में, संसदीय में, खेल में। फिर दूसरा जो पार्ट है उसमें एग्रीकल्चर बहुत बड़ा पार्ट है, हमारी कृषि की पे पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है और हम एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं साइड कर देते हैं, तो इस बार के सिलेबस में हमने एग्रीकल्चर को भी इंट्रोड्यूस किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया है, कॉमर्स और जो हाउस जर्नल्स होते हैं उसको भी इंट्रोड्यूस किया, इन सब के बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे और इस पेपर में सारी चीज़ें होंगी। फिर इन सारी चीज़ों को जब हम इस पेपर में, जैसे कि वादा किया है कि संकलन लेखन, इसको कैसे कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, क्या क्या सोर्सेज होंगे, प्लस उसको कैसे लिखेंगे, इन सब के बाद एक महत्वपूर्ण पक्ष आता है, एक महत्वपूर्ण रोल आता है एडिटर का, तो हम यहाँ पे आपको एडिटिंग के सिद्धांत भी बताएंगे, फोटो भी बताएंगे, और एक जो सबसे बड़ी बात, एनएपी भी इस पे बहुत जोर दे रहा है, और आप जरूरत पड़ती है जब भी फील्ड में जाते हैं, चाहे वो हिंदी से इंग्लिश हो या किसी अन्य भाषाओं से उसमें हो, तो एक चीज़ अनुवाद की क्या विशेषताएं हैं, लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इस तरीके की जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को हम विस्तार से बताएं, समझाएं और करेंगे। तो आज के लिए हम आपको इतने दो पेपर्स के डिटेल सिलेबस के साथ में आप सबका स्वागत करते हैं, आप सबको बताते हैं। हमारी अगली क्लास जो होगी वो अगले सिलेबस में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, क्या चीज़ें करेंगे, जो बाकी पेपर्स हैं उसमें क्या करेंगे, वो सब मैं बताऊंगी, लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि एक क्लास में पहले आप इन चीज़ों को समझ लीजिए। आप नए विद्यार्थी हो, आपका स्वागत है विश्वविद्यालय में, आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वागत है, और मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरा आपको सहयोग मिलेगा। तो आप इस कोर्स को करिए, इन दो पेपर को समझिए, फिर अगली क्लास में मैं आपको अगले पेपर्स के बारे में और बताऊँगी कि कैसे क्या करना है, फिर धीरे धीरे मैं आपको सारे टॉपिक्स को भी क्लियर करूँगी कि किस टॉपिक में आप कैसे पढ़ेंगे, क्या चीज़ें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आप उत्साह में रहिए, आपने एक बहुत अच्छे कोर्स में एडमिशन लिया है, जो कम से कम आपको बोलना भी सिखाएगा, लिखना भी बताएगा, देखे हुनर तुम हुनरमंदों को कहीं ना कहीं रोजगार भी दिलाएगा, जो ना दे सके रोजगार तो ये वादा है मेरा, तुमको इतना सक्षम भी बनाएगा कि खुद जमीन तुम तैयार कर लोगे अपनी और आसमानों में भी उड़ान भरोगे। यानी अगर तुम्हें बोलना लिखना और व्यवहारिक ज्ञान आ गया, सैद्धांतिक ज्ञान आ गया, तो निश्चय ही मित्रों आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी लेक्चर सुनने के लिए, नमस्कार।